ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे अपना चैप्टर 15 मीटिंग्स वाला, उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप एक पीछे से लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको आज खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, तो हम पढ़ रहे थे मीटिंग के बारे में। हमने पढ़ा कि दो तरह की मेन मीटिंग होती है किसी कंपनी के अंदर, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन हम पिछले चैप्टर में मैनेजमेंट में बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग मैंने कहा कि तमाम वो मीटिंग्स जो मेंबर्स की होंगी, जो एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट होंगे, वो जनरल मीटिंग कहलाई जाएंगी। तो किसी भी कंपनी की लाइफ में, पूरी लाइफ में तीन जनरल मीटिंग होती है, तीन तरह की होती है। एक स्टैट्यूटरी मीटिंग, ये वो मीटिंग होती है जो बाय लॉ होती है, जो फर्स्ट टाइम होनी होती है, मतलब हर कंपनी के लाइफ में एक बार होती है। किस किस कंपनी को कंडक्ट करना जरूरी होती है, पब्लिक कंपनीज और तमाम वो प्राइवेट कंपनी जो विद इन 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन पब्लिक में कन्वर्ट हो जाए, उनको ये रिक्वायर होता है। इसको क्या कहते हैं, कंडक्ट कब करना होता है, टाइम पीरियड पड़ा मैक्सिमम 9 months फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन या 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक स्टैट्यूट रिपोर्ट डिस्कस होती है जिसको 21 दिन पहले नोटिस के साथ भेजा जाता है। स्टैट्यूट रिपोर्ट का हमने कंटेंट देखा कि उसके अंदर क्या कुछ होता है और साथ में ऑडिटर रिपोर्ट भी लगी होती है। फिर हम आ गए थे एजीएम के ऊपर। हमने कहा था कि हर कंपनी को सिवाय एसएमसी कंपनी को साल खत्म होने के 120 दिन के अंदर एजीएम कंडक्ट करनी होती है। तो फर्स्ट एजीएम हमने कहा कि विद इन 16 मंथ ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाए और जो सब्सिक्वेंट होगी वो 120 डेज ऑफ इट्स एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है उसके अंदर कंडक्ट करनी होगी। एजीएम क्या होती है बेटा, ये सालाना मीटिंग होती है। पर्पस क्या होता है, अकाउंट्स वगैरह को डिस्कस करना, डिविडेंड अप्रूव करना, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना, कंपनी का ओवरऑल एक ओवरव्यू जो है वो डायरेक्टर्स मेंबर्स को देते हैं। इसके अंदर डिविडेंड वगैरह भी अप्रूवल होती है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि भाई थर्ड टाइप होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो हमने कहा कि कंपनी की तमाम मीटिंग, वो मीटिंग जो स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा मेंबर्स की मीटिंग होगी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होंगी। इसको कॉल कौन कर सकता है, इसको डायरेक्टर कॉल कर सकते हैं, इसको मेंबर कर सकते हैं, इसको कमीशन भी कर सकता है। तो अगर किसी डायरेक्टर ने कॉल करनी है तो नॉर्मल तरीका का नोटिस भेजेंगे, मीटिंग हो जाएगी। अगर किसी मेंबर ने कॉल करानी है तो भैया वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एप्लीकेशन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर Within 21 days उसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा और 90 डेज के अंदर अंदर उसको हेड कर लेगा। लेकिन अगर मेंबर नहीं कराता, डायरेक्टर नहीं कराते, तो मेंबर खुद करेगा। उसके बाद मीटिंग के एक्सपेंस कौन पे करता है, मीटिंग के एक्सपेंस हमेशा कंपनी पे करती है। लेकिन अगर कोई डिफॉल्टिंग डायरेक्टर है तो फिर कंपनी जो है वो पैसे पे करके उस डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की सैलरी में से वो काट लेगी। इसके अलावा प्लेस, मैनर वगैरह बहुत सारी चीजें हमने देखी। और आज हम देखते हैं कि भाई देखो, किसी मीटिंग को अगर किसी शख्स ने इनवैलिड कराना है, मतलब एक शख्स है उसको एक मीटिंग की प्रोसीडिंग पे इतराज है और उसे वो इनवैलिड कराना चाहता है, तो उसका तरीकाकार क्या है। देखो बेटा, तीन चीजें हैं हमेशा इनवैलिड कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी मिनट, कोई भी इलेक्शन। रेजोल्यूशन, मीटिंग, इलेक्शन, इन तीनों का आपकी बुक में जिक्र है और तीनों को इनवैलिड कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। तीनों की टाइम पीरियड 30 डेज है, ठीक है। और इसी तरह ग्राउंड्स क्या है, मेंबर हैविंग, इसके बाद वो क्या कहते हैं, मेंबर हैविंग 10% और मोर वोटिंग पावर। तो भैया आपने रेजोल्यूशन कैंसिल करानी है, इनवैलिड करानी है, आपने मीटिंग इनवैलिड करानी है, आपने इलेक्शन इनवैलिड कराना है, तीनों का एक ही तरीका कार है। कोर्ट को एप्लीकेशन देनी होगी, कौन दे सकता है, जिसके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर। कब देनी है, 30 डेज ऑफ इलेक्शन, 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन, 30 डेज ऑफ मीटिंग, ठीक है। कोर्ट को आप एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट जो है रीजनेबल ग्राउंड्स के ऊपर, ग्राउंड्स क्या होंगे कि भाई कोई नोटिस के अंदर गलतियां थी या इस तरह मीटिंग की प्रोसीडिंग जो है वो इररेगुलर हुई, चेयरमैन अपॉइंटेड ठीक नहीं था या वोटिंग ठीक तरह से काउंट नहीं हुए या कुछ भी इस तरह का हो सकता है, तो इस सारी सूरत में अदालत क्या कर सकती है, उसको इनवैलिड करा सकती है। तमाम स्पेशल रेजोल्यूशन को 15 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करना जरूरी होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कहां पे, मेमोरेंडम और आर्टिकल की चेंज के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टेप, तीसरा स्टेप हमारा जो था, रेजोल्यूशन को 15 दिन के अंदर अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन को रजिस्ट्रार को फाइल करना होता है। इसी तरह जो कॉपी फाइल की जाए वो डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी जो है उसके ऊपर साइन होने चाहिए और तमाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी रजिस्ट्रार को फाइल करने हैं। क्लियर है बच्चे यहां तक सब? जी सर। आज हम पढ़ेंगे नोटिस से, नोटिस से रिलेटेड प्रोविजन, कि कोई भी मीटिंग विदाउट नोटिस नहीं हो सकती, तो लिहाजा हर जनरल मीटिंग का नोटिस होना जरूरी है। कितने दिन का नोटिस होना जरूरी है बच्चे? 21 डेज। जिस मीटिंग में 21 डेज के एक्सेप्शन मौजूद है,
इस मीटिंग में 21 डेज नोटिस की एक्सेप्शन मौजूद है। मेरी आवाज ठीक आ रही है आप सबको? आप ही ठीक है? अच्छा, मेरी आवाज ठीक है। तो बेटा 21 डेज नोटिस की एक्सेप्शन सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए है, जहां पे एक शॉर्टर नोटिस हो सकता है। कंडीशन क्या है कि भाई उसके अंदर तमाम मेंबर जो किसी मीटिंग के अंदर मौजूद है वो 100% एग्री कर ले, तो ही वो मीटिंग शॉर्टर नोटिस हो सकती है। नोटिस के अंदर क्या होता है? नोटिस ऑफ मीटिंग इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट सेंट टू ईच मेंबर एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस और अदर कम्युनिकेशन एड्रेस इन पाकिस्तान। नोटिस ऑफ मीटिंग स्पेसिफाइंग द प्लेस एंड डे एंड ऑर ऑफ द मीटिंग अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है बेटा? एजेंडा, क्या हमें इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ करना है तो उसके अंदर शामिल होना चाहिए। किस किस को नोटिस जाएगा? हर मेंबर को, हर डायरेक्टर को, कोई भी ऐसा शख्स जो लीगल हायर्स होते हैं, मतलब एक शेयर होल्डर था वो मर गया तो उसके तमाम बच्चे जो अटेंड करने के एलिजिबल हैं उनको भी नोटिस जाएगा, और इस तरह कंपनी के ऑडिटर को भी नोटिस जाना जरूरी होता है। क्या होना है नोटिस के अंदर? टाइम ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग, डे ऑफ मीटिंग और कोई भी जो रेजोल्यूशन पास करनी है वो भी नोटिस के अंदर शामिल हो। कितने तरीकों से नोटिस भेजा जा सकता है? मेंबर्स को एक्नॉलेजमेंट के गेस्ट में, मतलब एक शख्स लेके जाए उसे एक्नॉलेजमेंट लेके आ जाए, बाय पोस्ट भेजा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल के जरिए भेजा जा सकता है, या कोई भी अदर स्पेसिफाइड मैनर कंपनी स्पेसिफाई कर सकती है अपने आर्टिकल में, जी व्हाट्सएप के थ्रू आ सकता है, मैसेज के थ्रू आ सकता है, किसी भी और तरीके से नोटिस को भेजा जा सकता है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट होनी चाहिए कि अगर उस मीटिंग के अंदर कोई भी स्पेशल बिजनेस डिस्कस होना है तो उससे रिलेटेड तमाम फैक्ट्स नोटिस के अंदर ऑलरेडी भेज देने चाहिए। उस स्टेटमेंट को कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। अब बेटा स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस, बिजनेस से मुराद होता है एजेंडा। मीटिंग के अंदर जो एजेंडा डिस्कस होना है, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होनी है, जो से मामलात के ऊपर रेजोल्यूशन पास करनी है, उसको बिजनेस कहा जाता है। तो स्पेसिफिकली एजीएम जो है उसके केस में दो बिजनेस होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस तमाम वो बिजनेसेस होते हैं बेटा जो आम नेचर के होते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसीडर करना, डायरेक्टर वगैरह, ऑडिटर वगैरह को अपॉइंट करना, डिविडेंड वगैरह को डिक्लेयर करना, ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन वगैरह फिक्स करना, डायरेक्टर का इलेक्शन करना। तो बेटा ये चार एजेंडा जो है एजीएम के अंदर, इनको ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाएगा, और ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं पास होंगे। मुझे बताएं इन चारों में से, ये चार हैं, इन चारों में से कौन सा मैटर ऐसा है जो रेजोल्यूशन के जरिए हल नहीं होता? इलेक्शन, डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन डायरेक्टर, शाबाश। तो जो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर है वो किसी रेजोल्यूशन के गेस्ट पास नहीं होते, बल्कि वो इलेक्शन के थ्रू होते हैं। बाकी इन तमाम मैटर्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं। इस तमाम बिजनेसेस के अलावा, इन चार बिजनेसेस के अलावा कोई भी और बिजनेस अगर मीटिंग में डिस्कस होना है तो उसको स्पेशल बिजनेस कहा जाएगा, और जो भी स्पेशल बिजनेस होगा उसके लिए नोटिस में स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट मौजूद होनी चाहिए, और वो हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही पास होगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। मीटिंग को हेड कौन करेगा बच्चे? नेशनल असेंबली के इजलास को कौन हेड करता है? नेशनल असेंबली की जो मीटिंग होती है, इजलास होता है, उसका हेड कौन होता है? चेयरमैन। इनालिल्लाह, नेशनल असेंबली चेयरमैन सेनेट का होता है। मम्मे स्पीकर, स्पीकर होता है नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है इस तरह सेनेट का चेयरमैन। तो इस तरह तमाम चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो होगा वो क्या करेगा? शैल प्रिजाइड एज अ चेयरमैन एट एवरी जनरल मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन होगा वही हर जनरल मीटिंग को चेयरमैन करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा चेयरमैन मौजूद नहीं है, या 15 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग स्टार्ट होने के 15 मिनट के अंदर अंदर वो चेयरमैन प्रेजेंट नहीं हुआ, तो या वो काम करने के लिए राजी नहीं है चेयरमैन, या तो आया नहीं, या वो आया है वो मीटिंग चेयर नहीं करना चाहता, या वो 15 मिनट तक आया ही नहीं, बाद में आया है, तो कोई भी डायरेक्टर जो है उसको इलेक्ट किया जा सकता है एज अ चेयरमैन। लेकिन अगर कोई भी डायरेक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है या अनविलिंग है चेयरमैन बनने के लिए, तो मेंबर्स क्या करेंगे? अपने दरमियान से किसी मेंबर को भी चेयरमैन बना सकते हैं। क्लियर है बच्चे? जी सर, जी सर। सिंगल मेंबर कंपनी वाली रिक्वायरमेंट इसको रहने दें, प्रोविजन ये जस्ट आपने पढ़नी है।
उसके अलावा कोरम क्या होता है, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में पढ़ा कि कोरम से मुराद मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो किसी भी मीटिंग के एजेंडे को डिस्कस करके अप्रूव कर सकते हैं, तो मिनिमम नंबर फिक्स होता है, तो लिहाजा मिनिमम नंबर लॉ ने फिक्स किया हुआ है। कंपनी ज्यादा तादाद फिक्स कर देती है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के केस में दो कंडीशन होना जरूरी है, सबसे पहले कम अज कम 10 मेंबर मौजूद हों पर्सनली या थ्रू वीडियो लिंक, 10 मेंबर्स का फिजिकली होना मौजूद है और उन 10 मेंबर के पास कम अज कम 25% वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो भाई लिस्टेड कंपनी के केस में कम अज कम 10 मेंबर का फिजिकली या वीडियो लिंक के थ्रू होना मौजूद है और उनके पास कलेक्टिवली 25% वोटिंग पावर होनी चाहिए, दोनों कंडीशन मीट होना जरूरी है। इसके अलावा बाकी तमाम कंपनीज जिनका शेयर कैपिटल होगा उनके 2 मेंबर्स फिजिकली या वीडियो लिंक के थ्रू मौजूद हो और उन दोनों के पास कम अज कम 25% वोटिंग पावर होना मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा 2 कंडीशन मीट होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी केस में भी 10 मेंबर 25% वोटिंग पावर, बाकी तमाम कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल 2 मेंबर 25% वोटिंग पावर, और तमाम वो कंपनीज जिनकी वोटिंग जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता वो अपना कोरम अपने आर्टिकल में डिफाइन कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? अगर किसी कंपनी का कोरम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता और आधा घंटा गुजर जाता है मीटिंग के टाइम को तो क्या होगा? अगर तो मीटिंग रेक्विजिशन पे कॉल की गई है, कौन सी मीटिंग रेक्विजिशन पे कॉल होती है बच्चे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अगर तो रेक्विजिशन पे कॉल की गई है तो वो डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म, फिनिश। भाई मेंबर ने मीटिंग बुलाई सही और खुद भी नहीं आया, क्या फायदा? लेकिन अगर मीटिंग जो है वो रेक्विजिशन पे नहीं, दूसरे केसेस है, मतलब एजीएम है, स्टैट्यूटरी मीटिंग है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल्ड बाय डायरेक्टर है, तो क्या होगा कि भाई ये एडजॉर्न हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, कब? टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम सेम प्लेस, सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो वो पोस्टपोन हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? अब अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता, मतलब मीटिंग इस बार कोरम ना होने की वजह से एडजॉर्न हुई और नेक्स्ट एडजॉर्न जो हमने पोस्टपोन की, पोस्टपोनमेंट खत्म हुई और तब मीटिंग हुई अगले वीक में, तब भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता तो लॉ कहता है कि अगर सिर्फ 2 मेंबर भी मौजूद होंगे तो वो कोरम बन जाएगा, फिर कोई क्या कहते हैं वीडियो उसकी वोटिंग पावर की बात रही होगी। कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी चाहे वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है, कोई भी कंपनी हो, अगर उसके 2 भी मेंबर आ जाएंगे उस मीटिंग पे तो कोरम हो जाएगा और वो बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर देंगे। क्लियर है बच्चे? यस सर। मीटिंग में वोटिंग कैसे होती है बेटा? वोटिंग 2 तरीके से होती है, बाय शो ऑफ हैंड, बाय पोल। शो ऑफ हैंड क्या होता है? हाथ खड़ा करके। बाय पोल क्या है? वो जो बॉक्स के अंदर हम डालते हैं। अब पोल 2 तरीके से होता है, एक ओपन पोल होता है, एक सीक्रेट बैलेटिंग होती है। ओपन पोल क्या है? सबके सामने जनाब जी वो बॉक्स पड़ा होता है, जाओ ठप्पा लगाओ डाल दो। सीक्रेट बैलेट क्या होता है? कि छुपा हुआ पोल होता है, एक कमरे में जाके ठप्पा लगा के उसके अंदर डाल के आना होता है, समझ आ गई? पोल कौन ऑर्डर कर सकता है? चेयरमैन ऑर्डर कर सकता है, कोई भी शख्स जिसकी 10% वोटिंग पावर वो डिमांड भी कर सकता है, मतलब कोई भी मेंबर ऑर्डर नहीं कर सकता पोल, सिर्फ डिमांड कर सकता है। ऑर्डर कौन करेगा? सिर्फ चेयरमैन करेगा। मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस था, कोई रेजोल्यूशन पास करनी थी, तो चेयरमैन ने कहा कि जी भाई शो ऑफ हैंड के जरिए पास करते हैं, तो कोई भी मेंबर जो 10% जिसके पास वोटिंग पावर है वो खड़े होकर कह सकता है कि सर मैं चाहता हूं कि जो ये वोटिंग है ये पोल के जरिए हो। क्लियर है बच्चे? हेलो जी सर। हेलो, किस वक्त पोल डिमांड किया जा सकता है? वो कहते हैं कि जब चेयरमैन शो ऑफ हैंड का रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा हो जो उससे पहले पहले, ठीक है। पोल कैन बी डिमांड बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय चेयरमैन, ठीक है, उसके बाद नहीं हो सकता। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, मीटिंग खत्म हो जाए, बाद में कहे जी मुझे पोल चाहिए, नहीं, जब वो कर रहा हो या उससे पहले पहले पोल डिमांड हो सकता है। पोल जो डिमांड हुआ वो कंडक्ट कब करना है? अगर तो पोल है फॉर अजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग या चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए, चेयरमैन भी तो इलेक्शन के जरिए आता था, वो भी तो इलेक्ट हो रहा है, इस तरह मीटिंग अजॉर्न भी तो इलेक्शन के थ्रू होनी है, रेजोल्यूशन के थ्रू होनी है, तो लिहाजा इन 2 के लिए अगर पूल डिमांड हुआ तो जिस वक्त डिमांड हुआ उसी वक्त कंडक्ट करना होगा। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और मैटर के लिए पूल डिमांड हुआ तो चेयरमैन जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई अभी करना है या बाद में कोई डेट दे देते हैं उस दिन पे कर लेंगे, लेकिन 14 दिन के अंदर अंदर उस पूल को कंडक्ट करना होगा। क्लियर है बेटा? यस सर।
और शो ऑफ हैंड हर बंदे के पास सिर्फ एक वोट होगा, ठीक है, हर बंदे के पास एक वोट होगा, लेकिन इन केस ऑफ पूल जितने उसके प्रोपोर्शनेट टू शेयर्स वोट होंगे। समझ आ गई? जो वोटिंग होगी इसका रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड का रिजल्ट तो भाई क्या होगा, चेयरमैन डिक्लेयर करेगा और ये बताएगा कि भाई कितनी मेजोरिटी से पास हुआ है या यूनानिमसली पास हुआ है, मतलब किसी ने इनकार नहीं किया, सारे हाँ में है, तो लिहाजा उसका रिजल्ट के तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो चेयरमैन डिक्लेयर करेगा। लेकिन अगर वोट जो है वो पूल के जरिए हुआ, तो फिर कैसे, पूल के जरिए साल के तौर पर मीटिंग हो रही थी, चेयरमैन ने कहा जी शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग होगी, उमर खड़ा हो गया, कहता जी मेरे पास 10% वोटिंग पावर है, मैं चाहता हूँ पूल हो जाए, पूल कंडक्ट हुआ, अब रिजल्ट कैसे होगा? जो वोट पड़े होंगे सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट किया जाएगा। कौन इंस्पेक्ट करेगा? चेयरमैन या कोई उसका नॉमिनी, और उमर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव रखेगा। तो ये दो लोग मिलकर पहले तमाम वोटों को इंस्पेक्ट करेंगे, उसकी गिनती करेंगे, और उसके बाद चेयरमैन जो है उसका रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेगा। क्लियर है बेटा? शो ऑफ हैंड का तो डायरेक्ट चेयरमैन कर देगा, पूल में यह होगा पहले वोट इंस्पेक्ट होंगे। कौन कौन इंस्पेक्ट करेगा? चेयरमैन जो उसका नॉमिनी और जिस शख्स ने डिमांड किया होगा उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मिलके जो उसको वेरीफाई करेगा, और फिर उसके बाद चेयरमैन रिजल्ट अनाउंस करेगा। अच्छा बेटा, रेजोल्यूशन, ऑल्दो इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द रेजोल्यूशन पास्ड एट अ एडजॉर्न मीटिंग इज कंसीडर्ड टू हैव बीन पास्ड ऑन द डे ऑन व्हिच इट इज एक्चुअली पास्ड एंड नॉट ऑन एन अर्ली डेट। अब मैं केस स्टडी बना रहा हूँ बेटा, मुझे सारों का बताइएगा कि रेजोल्यूशन की डेट क्या होगी। एक मीटिंग बुलाई गई 1 जुलाई 2021 को, इसके अंदर एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट हुई, ठीक है, इस मीटिंग के अंदर डिस्कस करते रहे, कोई डिसीजन नहीं निकला, इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया 10 जुलाई 2021 को। 10 जुलाई 2021 को वोटिंग हुई और ये रेजोल्यूशन पास हो गई। मुझे बताएं रेजोल्यूशन की डेट क्या होगी, 1 जुलाई या 10 जुलाई? 10 जुलाई होगी, शाबाश, जिस दिन को एक्चुअली पास हुई होगी उस दिन को। लेकिन हुआ ये कि 10 जुलाई को ये लोग इकट्ठे हुए और जनाब जी क्या कहते हैं, ये इन्होंने बड़ी अच्छी खासी उसके ऊपर बहस की, सारा कुछ किया, और उसके बाद वोटिंग जो है वो पूल के थ्रू होनी थी, टाइम गुजर गया। तो चेयरमैन ने कहा जी हमारा पूल जो होगा वो 22 जुलाई को होगा इस रेजोल्यूशन के ऊपर। 22 जुलाई को पूल हुआ और रेजोल्यूशन पास हो गया। अब रेजोल्यूशन की डेट क्या होगी, 1 जुलाई, 10 जुलाई या 22 जुलाई? बताएं जी, शाबाश, बेटा अब रेजोल्यूशन की डेट होगी 10 जुलाई, जिस दिन को पूल डिमांड होगा। तो रेजोल्यूशन की डेट क्या होगी, जिस मीटिंग में प्रेजेंट हुआ मैटर नहीं करता, जिस मीटिंग में पास हुआ या जिस मीटिंग में उसके ऊपर पूल डिमांड हुआ उस मीटिंग की डेट जो होगी वो रेजोल्यूशन की डेट होगी। क्लियर है बच्चे? गुड, हो गया। प्रॉक्सी क्या होती है बेटा? प्रॉक्सी होती है फेक पर्सन, कोई भी आपके बिहाफ पे जाके प्रेजेंट हो, मतलब आप खुद नहीं जा सकते, आप अपनी डमी भेज देते हो, तो प्रॉक्सी होती है डमी के, डमी का, डुप्लीकेट का होना। तो लिहाजा कोई शख्स अगर मीटिंग में नहीं जा रहा मेंबर, तो वो क्या कर सकता है कि अपनी प्रॉक्सी भेज सकता है, मतलब अपने बिहाफ पे किसी दूसरे मेंबर को भेज सकता है कि जो मेरे बिहाफ पे भी वोटिंग कर लेना या मेरे बिहाफ पे भी मीटिंग अटेंड कर लेना। तो प्रॉक्सी क्या होती है, अ पर्सन अपॉइंटेड टू वोट एंड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर इन अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। तो ये वो शख्स होता है जो कोई मेंबर अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पे कि जाओ मेरी बिहाफ पे मीटिंग में बात भी करो, डिस्कशन भी करो और वोटिंग भी करके आओ। द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकती, अनलेस वो अपने आर्टिकल में लिख दे जी प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकती है। लॉ कहता है कि अगर आर्टिकल में नहीं लिखा उसका तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकती। क्लियर है बच्चे? और
पूल के अंदर वोट देने से खुद को रोक भी सकता है। जब पूल डिमांड हुआ उसमें वोट देने से अपने आप को रोक सकता है, अब्सटेन कर सकता है, उसकी मर्जी है वो वोट दे या ना दे। क्लियर है बच्चे? प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले कंपनी जो नोटिस भेजेगी साथ में एक प्रॉक्सी फॉर्म के राइट भी लिख देगी उसके अंदर, और साथ में एक प्रॉक्सी ब्लैंक फॉर्म भी अटैच कर देगी नोटिस के साथ। मतलब कंपनी जब भी नोटिस भेजती है उसके अंदर लिखती है कि आपके पास राइट है कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, और साथ में एक ब्लैंक फॉर्म भेजेगी जो प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का फॉर्म होगा। जिस शख्स ने भी प्रॉक्सी अपॉइंट करनी होगी वो शुड साइन एंड स्टैम्प टू द बाय द अपॉइंटर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। तो वो क्या करेगा कि वो प्रॉक्सी फॉर्म फिल करेगा, उसको साइन स्टैंप करेगा। एक शख्स सिर्फ एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट करता है, ऐसा ना हो कि आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदो, उसकी मीटिंग हो तो सारे घर के बीवी बच्चों को एज अ प्रॉक्सी भेज दो, जाओ यार खाना खा के आओ आज वहां पे। ऐसा नहीं करना, एक शख्स एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, और अगर एक से ज्यादा करेंगे तो तमाम प्रॉक्सीज इनवैलिड हो जाएंगी। प्रॉक्सी सिर्फ मेंबर हो सकती है, नॉन मेंबर प्रॉक्सी नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई कंपनी आर्टिकल में इसकी इजाजत दे देती है तो नॉन मेंबर प्रॉक्सी बन सकता है, नहीं तो एक मेंबर किसी दूसरे मेंबर को ही अपनी जगह पे भेज सकता है। क्लियर बच्चे? ये प्रॉक्सी फॉर्म जो है ये कम से कम मीटिंग से 48 घंटे पहले जो है वो कंपनी को मिल जाना चाहिए। ठीक है, every member entitled to vote at a meeting of a company shall be entitled to inspect during the business hour of a company all proxies lodged with the company। ke koi bhi member jo meeting ke andar baitha hai wo tamam proxies ke form wagaira ko check kar sakta hai ki kon kon sa shakhs hua hai aaj as a proxy aaya baitha hai। clear hai bacche? to ye proxy appoint karne ka tarika kar hai। to agar question aata hai ji ek proxy kab valid proxy hogi to aapne yacht point likhne hain, और अगर एक क्वेश्चन आता है कि एक प्रॉक्सी कब वैलिड प्रॉक्सी नहीं कहलाएगी तो आपने इन्हीं आठों पॉइंट्स को उल्टा करके लिख देना है। समझ आ गई? जी सर। ओके, मिनट ऑफ मीटिंग क्या होते हैं बेटा? मिनट ऑफ मीटिंग किसी भी मीटिंग की डिटेल होती है, प्रोसीडिंग होती है, या उसके एक एक मिनट की डिटेल होती है। जब भी कोई मीटिंग होती है तो वहां पर कोई ना कोई शख्स बैठा होता है, स्टेनोटाइपर जो होते हैं या टाइपरिस्ट होते हैं, ये वो साथ साथ नोट्स बना रहे होते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ। तो बेसिकली ये मीटिंग की तमाम डिटेल होती है कि कौन कौन आया, कौन कौन प्रॉक्सी था, कितने लोग आए, कौन कौन सा एजेंडा डिस्कस हुआ, कौन कौन फेवर में था, कितने अगेंस्ट थे, वोटिंग कैसे हुई, क्या तरीका का था, रिजल्ट कैसे अनाउंस हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तमाम प्रोसीडिंग जो है वो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी होती है। समझ आई बेटा? उसको मिनट ऑफ मीटिंग कहते हैं। तो तमाम कंपनीज को रिक्वायर है कि वो तमाम रेजोल्यूशन, तमाम प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग्स और नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट जो है वो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे। तो ये मीटिंग के जो मिनट ऑफ मीटिंग है उसके पार्टिकुलर होते हैं। क्या? तमाम रेजोल्यूशन उसके अंदर, समरी रिगार्डिंग प्रोसीडिंग, तमाम मेंबर डायरेक्टर कमेटी ये सब की, और नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट जो है ये मिनट्स के अंदर मौजूद होने चाहिए। और हर मीटिंग के 14 दिन के अंदर अंदर मिनट्स की एक कॉपी तमाम डायरेक्टर को भेजी जाएगी। Signed minutes of meeting by the chairman of the meeting or of a next succeeding meeting shall be evidence of the proceeding। तो मैं किसी कंपनी में जाता हूं, कहता हूं जी आपने पिछली मीटिंग की, वो कहते हैं जी की, मैं कहता हूं उसकी सबूत दो। तो अगर वो साइंड मिनट दिखा देते हैं मुझे जिसके ऊपर चेयरमैन के साइन होंगे तो इस चीज का सबूत होगा कि भैया ये मीटिंग कंडक्ट हुई थी। बुक्स ऑफ मिनट जो है वो ओपन रहेंगे डेली कम अज कम 2 घंटे फॉर इंस्पेक्शन बाय द मेंबर ऑन बिजनेस डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इस बार एमसीक्यूज इस तरह का बना था, तो इसके अंदर एक एक पॉइंट को मिस करके एमसीक्यूज बनाया जा सकता है। डेली कितने आवर के लिए? 2 आवर्स के लिए। कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? मेंबर्स कर सकते हैं। किन दिनों में? एवरी डे या बिजनेस डे? सिर्फ बिजनेस डे। क्या कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट या फीस वगैरह चार्ज होगी। क्लियर है बच्चे? कोई भी मेंबर जो है वो डिमांड कर सकता है कॉपी मिनट्स की 7 डेज के अंदर अंदर। Company shall provide such copy within 7 days of request। और कंपनी ये रिकॉर्ड जो है 20 years in physical form और permanently in electronic form maintain करेगी minutes of meeting का। Clear है बच्चे? Yes। Good हो गया, माशाल्लाह। Passing of resolution through circulation, ये हम पढ़ चुके हैं कि director जो है वो circulation के through resolution pass कर सकते हैं, तो मेंबर भी कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी कंपनीज के मेंबर कर सकते हैं? देखो बेटा, डायरेक्टर किसी भी कंपनी के सर्कुलेशन के थ्रू पास कर सकते हैं अपनी रेजोल्यूशन। मेंबर जो है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज या तमाम वो पब्लिक कंपनीज जिसके 50 से मेंबर कम हो, 50 या 50 से कम मेंबर हो,
वो जो है सर्कुलेशन के थ्रू पास कर सकती है, कौन कौन सी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी भी स्पेशल भी, दोनों रेजोल्यूशन जो है वो सर्कुलेशन के थ्रू पास हो सकती है। प्रोसेस क्या है, वही है, ये रेजोल्यूशन तमाम मेंबर को भेजी जाएंगी, तमाम डॉक्यूमेंट साथ में अटैच होंगे, तमाम मेंबर साइन करेंगे, कंपनी को वापस भेजे जाएंगे और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसके अंदर उसे नोट कर लिया जाएगा। और अगर एक बार किसी मेंबर ने साइन कर दिया तो ये नहीं कह सकता कि रात को मैं सोया होता और पीएम गुटी पहना के चली गई, वो नहीं भाग सकता। क्लियर है बच्चे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेशन एट मीटिंग ऑफ कंपनीज एंड क्रेडिटर्स वगैरह। देखो बेटा, क्या हमने पढ़ा था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है? तो फिर क्या मतलब, कंपनी दूसरी कंपनी की मीटिंग में, एक कंपनी है दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर है, तो उस कंपनी की मीटिंग में वो जा सकती है कंपनी जो मेंबर कंपनी है? ए कंपनी है, बी भी कंपनी है, ए शेयर होल्डर है बी की, बी की एक मीटिंग हुई है, क्या ए उसमें अटेंड कर सकती है शेयर होल्डर की मीटिंग में? यस सर, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके। तो लिहाजा कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी अपने बंदे को, ऑथराइज ऑफिशियल को, इसी तरह कंपनी के क्रेडिटर जो है वो भी किसी ऑथराइज ऑफिशियल को कंपनी के बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करने भेज सकते हैं और उसके पास तमाम पावर होगी जो किसी एक नॉर्मल शेयर होल्डर के पास होती है। क्लियर है बच्चे? और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट भी किसी कंपनी की मेंबर हो सकती है, तो लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट भी कंपनी की मीटिंग में जा सकती है, लेकिन वो खुद तो नहीं जा सकती, वो भी अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कंपनी की मीटिंग में भेज सकती है। क्लियर है बच्चे? जी सर। रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड, तमाम मेंबर हैविंग नॉट लेस देन वोटिंग पावर इन अ कंपनी मे गिव नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन टुगेदर विद सपोर्टिंग स्टेटमेंट। के भाई क्या कोई मेंबर भी रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकता है? मतलब डायरेक्टर तो रेजोल्यूशन पास कराते ही रहते हैं, अप्रूवल लेते रहते हैं, क्या कोई मेंबर भी रेजोल्यूशन पास करा सकता है? वो कहते हैं जी कोई भी मेंबर जिसके पास कम से कम 10% वोटिंग पावर हो, वो क्या करेगा, कंपनी को नोटिस देगा कि भाई मैंने रेजोल्यूशन जो है वो पास करानी है, और वो रेजोल्यूशन भी भेजेगा और साथ में तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी को भेजेगा। और फिर कंपनी क्या करेगी, शैल बी फॉरवर्ड टू रीच द कंपनी इन केस ऑफ मीटिंग रिक्विजिशन बाय द मेंबर टुगेदर विद रिक्विजिशन फॉर द मीटिंग। कि अगर उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है तो जैसे ही वो रिक्विजिशन डाल रहा है साथ में रेजोल्यूशन की डिटेल भेज लेगा, लेकिन अगर वो मीटिंग जो है डायरेक्टर्स ने कॉल किया तो मीटिंग से कम से कम 10 दिन पहले, तो अगर कोई मेंबर एक रेजोल्यूशन पास कराता है तो मीटिंग से 10 दिन पहले उस रेजोल्यूशन को और उसके साथ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच करके कंपनी को भेज देगा और कंपनी जो है उस रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेगी। क्लियर? कंपनी की तमाम स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो कंपनी के आर्टिकल के साथ अटैच रहेंगे, जो भी नई रेजोल्यूशन पास होगी वो कंपनी अपने आर्टिकल के साथ अटैच करती रहेगी। हर कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो हर मेंबर को ऑन हिज रिक्वेस्ट एंड पेमेंट ऑफ सच फी डिटरमाइंड बाय द कंपनी कंपनी मस्ट सेंड करेगी। क्लियर? रिकॉर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एंड मीटिंग्स ये हम अभी ऊपर पढ़ाए हैं, वही सारा कुछ है, इसे जस्ट पढ़िएगा, जनरल प्रोविजन है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो आज के दिन में जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है बेटा, प्रॉक्सी वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, मिनट्स ऑफ मीटिंग में से मे भी कोई एमसीक्यू आ सकता है, ये वाली चीज केस स्टडी आ सकती है, कोरम, उसके बाद प्रॉक्सी, उसके बाद ये वाला नोट और रेजोल्यूशन एंड रिकॉर्ड, बस ये चार टॉपिक आज हमने इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। क्लियर है बच्चे सबको? जी सर। जी सर। ओके। ओके बेटा जी, ये छोटा सा टॉपिक है इंशाल्लाह चैप्टर 16, इसको कल के दिन में ही हम खड़का देंगे और कल हम इंशाल्लाह अपना तकरीबन हमारे 15 लेक्चर्स के अंदर कंपनी लॉ जो है वो हमारा वाइंड अप हो जाएगा पूरा। फिर हम एमला की तरफ मूव करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर 1 करेंगे, फिर चैप्टर 9 करेंगे, फिर 10 करेंगे। तो ये करने के बाद हमारे पास 85% सिलेबस कवर हो गया।
उसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारा रेगुलर बैच है उसकी क्लासेस अब जो है वो खत्म हो चुकी हैं, तो उसकी क्लास जो है वो मंडे और थर्सडे होती है जिसके अंदर हम रिवीजन करते हैं। तो लिहाजा जो हमारी थर्सडे को, इस थर्सडे को क्लास होगी उसके अंदर जो चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं वो है 6, 7 और 8 चैप्टर, मतलब जिसके हम क्वेश्चन जो है पास पेपर और एग्जाम्पल। तो बेटा सीधी सी बात है, मैं आपको एक आज और बात बता देता हूँ कि आपको कोई बुक नहीं करनी, कोई नोट्स नहीं करने, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना। आपको सिंपल कंपनी लॉ के जो मैं पास्ट पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन बैंक उनको करना है, और जो एम लॉ का पोर्शन है उसके अंदर जितनी भी एग्जाम्पल मौजूद है बस आप उन्हीं को कर लेते हैं, तो एग्जाम के अंदर 85% का जो पोर्शन है वो आपका सील होगा। तो लिहाजा ये पहली रिवीजन थर्सडे को हो रही है, इसके अंदर तो आप इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट रिवीजन में इंशाल्लाह आप साथ में इंक्लूडेड होंगे। तो रिवीजन हमारी इससे एक घंटा पहले होती है, एक क्लास मंडे को होती है, एक थर्सडे को होगी। तो एक घंटा पहले वाला जो होता है उसमें आप रिवीजन के लिए मस्त आएंगे, और उसके अंदर मैं आपको फिर आप ही की क्लास में समझाऊंगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से आपने रिवीजन करनी है और क्या कुछ करना है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारी कंपनी लॉ की रिवीजन होनी है मंडे को, अगले मंडे को, तो वो मैं इंशाल्लाह थर्सडे को आपको शेड्यूल अनाउंस करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं, उसके आपके पास पेपर आप सबको प्रोवाइड करूंगा, उसके सोल्यूशन भी आप सबको दे दूंगा, आपने वही करने हैं, उन्हीं की रिवीजन होनी है, उन्हीं में से टेस्ट होना, ठीक हो गया बच्चे। तो इंशाल्लाह जब तक हमारा क्या कहते हैं सिलेबस खत्म होगा, हम अपनी कंपनी लॉ की भी और वो 3 चैप्टर वहां से 85% सिलेबस की रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके होंगे विद टेस्ट। क्लियर है बच्चे? जी सर। हाँ जी, तो इंशाल्लाह एग्जाम से पहले पहले हम 3 बार इसको किसी ना किसी तरीके से रगड़ा लगा लेंगे, तो उम्मीद है फिर इंशाल्लाह एग्जाम में हमारे लिए बेहतरी ही होगी। तो बस आपने कोई ज्यादा अहमत मेहनत नहीं करनी, जस्ट ये 1 घंटा क्लास वाला होता है, यही आपने साथ में 1 और घंटा मिला लेना बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को सारा दिन दो, सारी रात दो, आई डोंट केयर, ठीक है बच्चे। सर बिजनेस लॉ को 1 घंटा देना है? बिजनेस लॉ स्टडी के लिए नहीं, अभी पढ़ा कहां जो आपने देना उसे, हां इसको बिजनेस लॉ को, बिल्कुल मैं कह रहा हूं शताम लॉ को 1 घंटा इसके साथ और मिला लेना, इससे पहले वाला घंटा, मतलब 10 से 11 हमारी क्लास होती है, 9 से 10 जो है आपने 1 घंटा इसके साथ मिलाना है, क्यों उस टाइम के रेगुलर बैच होता है, तो मंडे और थर्सडे तो हमारी 2 दिन क्लास होगी, बाकी बीच में 5 दिन जो है वो सिर्फ 1 घंटा होगा जिसमें आपने वो तैयारी करनी होगी और वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं, सिर्फ 1 घंटा बस, वो तो कर सकते हो, पता मुझे वो भी आपने नहीं करना, ओके बेटा जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हाफिज़ बेटा जी।